नमस्कार जी, मैं मंजू। करीब 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो नंबर 1435 बनाया था, तो मैं उसका अपडेट दे रही हूँ। और ये सरदा जो मेलन होता है हाइब्रिड वाला, तो उसका भी मैं ये अपडेट दे रही हूँ। तो इस ग्रो बैग में मैंने आपके सामने करेले के सीड्स लगाए थे, तो करेले भी वो मेरे फ्री वाले, मैंने बताया था ना किस तरह से सीड्स घर पर ही हम कलेक्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। तो इसके सीड्स, ये करेले वाले जो देख रहे हैं, ये वेल, तो इसमें काफ़ी सारे करेले वो निकल आए थे, पर इसके पत्ते इतने सरदा के ये फैल गए थे, मुझे निकालने पड़े, तोड़ने पड़े थोड़े। तो छोटे छोटे प्लांट जो मेरे वो फिर मर गए, और ये एक बेल जो ये बच गई। और सरदा के जब मैंने वो सीड दिए करेले के ग्रो किए थे, तो आपने छोटे छोटे से प्लांट्स इसमें देखे होंगे, तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। तो वो सरदा के प्लांट थे, तो मैंने बाज़ार से ये सरदा जो मेलन लेके आई थी, और उसके जैसे मैं खाद वगैरह देती हूँ, लिक्विड खाद उनके सीड्स की बना के प्लांट्स में दे देती हूँ, तो वो मैंने कुछ ऐसे ही इसमें भी डाल दिए थे कि मैंने कहा सड़ गल जाएंगे तो खाद हो जाएगा, कुछ इस तरीके से भी डाल देती हूँ। जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा मैश करके वो भी मैं मिट्टी में मिलाना पसंद करती हूँ, ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए। तो कुछ एक प्लांट्स तो मैंने इसके मसल के मिट्टी में मिक्स कर दिए थे, और कुछ एक रहने दिए थे। तो ये मैं देखती हूँ कुछ दिन वो हल्के हल्के छोटे से रहे, वो आप वीडियो नंबर देख सकते हैं मेरा 1433, और बिल्कुल हल्के हल्के थे छोटे से। मैंने देखते ही देखते इतनी जल्दी ये बड़े होने लगे, और ये देखे कितना बड़ा ये जा रहा है। तो मेरा मन नहीं कर रहा मैं कि इसे उखाड़ूँ बेल को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सरदा प्लांट को मैं रखूं या निकाल दूं, या ये करेले की बेल फिर ये अच्छे से नहीं चलने देगी, क्योंकि ये 15x15 का जो ग्रो बैग है, इसमें तो ये तो खैर मैं निकाल दूंगी। अपराजिता के ये अपने आप ही ये जीनिया के निकल आए हैं, और ये कुछ चुलाई के प्लांट्स हैं, तो इस तरह से। और बाकी मैंने रेड चुलाई ग्रो करना सिखाई थी, तो वो मैंने ग्रो की है। और ग्रीन के लिए मैंने बोला था कि सीड्स डाल दूंगी, तो उसी दिन मैंने उसके भी सीड्स डाल दिए थे, तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हैं। तो सरदा जो ये मेलन होता है, ये साल भर मार्केट में आते ही रहते हैं, और जो दूसरे हमारे देसी वाले खरबूजे होते हैं, वो तो सीज़न पर ही आते हैं और ज़्यादा टाइम टिकते नहीं हैं, तो ये लंबे टाइम तक टिका रहता है। पर इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, 30 से 35 डिग्री तक चाहिए होता है। पर हमारा जो एरिया है, मैं इंडिया के सेंटर में जैसे कि झांसी में रहती हूँ, तो यहाँ पे एक्सट्रीम में टेम्परेचर जाता है। जैसे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होगी और चली जाती है, और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। समर में भी ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, और विंटर में भी चाहे कुछ दिन ही जाएँ तो वो कम हो जाता है इस तरह से। तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इतनी अच्छी बेलें देख के पता नहीं ये क्या रिजल्ट्स रहेंगे, अच्छे से होंगे कि नहीं होंगे, मैंने रहने दूँ, बस इसी तरह से है। तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने आपके सामने रेड चुलाई जो डाली थी, तो ये मेरी रेड चुलाई के इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। तो बीच में ये पिटूनिया और ये कॉस्मोस का भी निकला है, कॉस्मोस का मैं कहीं लगा दूँगी, तो पिटूनिया के थोड़े से बड़े होंगे, तो क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रांसप्लांट करने के बाद मर भी सकते हैं। तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाए, मॉनसून आ जाए, तो फिर मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये रेड वाली चुलाई, ये देखिए, ये इसमें ही चलने दूँगी। तो आगे मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, जो ग्रीन वाली चुलाई मैंने लगाई थी, तो वो मैंने आपके सामने नहीं लगाई थी, पर उसी दिन बाद में मैंने लगा दी थी। तो ग्रीन वाली चुलाई की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। हो सकता है कि ये मैंने नेट से थोड़ा साइड पे बाहर को रखा है, इसे धूप मिल रही है, तो रेड वाले को शायद धूप नहीं मिल रही है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि उसका थोड़ा धूप का टाइम बढ़ा दूँगी। और ये मैंने जो बालसम ग्रो करना सिखाए थे, उस वीडियो में तो नहीं सिखाए थे, किसी और में बताया था, पर मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ, तो ये भी ये निकल आए हैं मेरे। तो चलिए मैं इस पे आपकी एडवाइस भी जानना चाहूँगी कि आप क्या कहते हैं कि इतनी जो बढ़िया हेल्दी बेल को मैं निकाल दूँ कि ना निकालूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब देखते हैं। तो मैं सोच रही थी करेले की ही एक बेल चलने देती इसमें, वैसे भी मैंने करेले के ज़्यादा सीड डाले थे, और एक दो पौधे ही रखने थे इसमें बैग में, क्योंकि ज़्यादा रखने से फिर वो फ्रूट आता नहीं है अच्छे से।
इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।